नमस्कार बच्चों, आज हम उत्तम पुरुष दोनों लिंग के बारे में समझेंगे। पहले हमने प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के बारे में पढ़ा था, अब हम उत्तम पुरुष पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष में तीन लिंग थे जिनके सर्वनाम अलग अलग थे, पर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में सर्वनाम एक समान होते हैं। इस पाठ में आपको उत्तम पुरुष के सर्वनाम पदों का प्रयोग करना सिखाया जाएगा। उत्तम पुरुष के सर्वनामों का प्रयोग सभी लिंगों में समान रूप से किया जाता है, यानी कि कोई भी सर्वनाम चेंज नहीं होगा, समान रूप से इनका प्रयोग किया जाएगा। उत्तम पुरुष के सर्वनाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के कर्ता के साथ प्रयोग में लाए जाएंगे। कर्ता यानी जो कार्य को करता है। उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग किया जाएगा। वो जो उत्तम पुरुष की क्रिया होगी, जो वही इसके कर्ता के साथ प्रयोग में लाई जाएगी। लिंग एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। सर्वनाम अहम यानी मैं एकवचन के लिए, द्विवचन के लिए जो दो हो, आवाम हम दो, वयम हम सब। धातु प्रत्यय आमी, आवह, आमह। सर्वनाम व क्रिया के बीच वचन के अनुसार संज्ञा शब्द भी जोड़े जा सकते हैं। उत्तम पुरुष में पुल्लिंग का प्रयोग किस प्रकार से होता है, अब बच्चों हम ये समझ लेते हैं। अहम खग अस्मि, मैं पक्षी हूँ। एक पक्षी है, वह कह रहा है कि अहम खग अस्मि, मैं पक्षी हूँ। अहम उत्पातामि, मैं उड़ता हूँ। द्विवचन के लिए आवाम गायिकाओ स्वः, हम दोनों गायक हैं। आवाम गायावः, हम दोनों गाते हैं। बहुवचन के लिए वयम धावकः स्मः, हम सब धावक हैं। वयम धावामः, हम सब भागते हैं। अहम सैनिकः अस्मि, मैं सैनिक हूँ। अहम रक्षामि, मैं रक्षा करता हूँ। आवाम बालकौ स्वः, हम दोनों बालक हैं। दो के लिए बात हो रही है तो आवाम। आवाम खादावः, हम दोनों खाते हैं। वयम गजः स्म, हम सब हाथी हैं। वयम चलामः, हम सब चलते हैं। यहाँ तीन या तीन से अधिक जनों की बात हो रही है तो वयम, अहम आवाम वयम, इस प्रकार से ये रूप चल रहे हैं। स्त्रीलिंग में इनका प्रयोग किस प्रकार से होगा, एक वचन के लिए। अहम कोकिलास्मि, मैं कोयल हूँ। अहम कुजामि, मैं कूजती हूँ यानी गाती हूँ, बोलती हूँ। आवाम छात्रेश्वः, हम दोनों छात्र हैं। आवाम पठामः, हम दोनों पढ़ाते हैं। त्रिवचन के लिए है। बहुवचन के लिए वयम वर्तिका स्मः, हम सब बतके हैं। वयम तरामः, हम सब तैरती हैं। अहम नायिका अस्मि, मैं नायिका यानी अभिनेत्री हूँ। अहम नृत्यामि, मैं नाचती हूँ। एक वचन के लिए प्रयोग लिया गया है। द्विवचन के लिए आवाम अजेः स्वः, हम दोनों बकरियां हैं। आवाम चरामः, हम दोनों चराती हैं। वयम कलिका स्मः, हम कलिकाएं हैं। वयम विक्षामः, हम सब खिलती हैं। यह बहुवचन के लिए हुआ है, यानी अहम आवाम वयम, इस प्रकार से इनके रूप चल रहे हैं। प्रथम पुरुष में कर्ता सर्वनाम तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं, परंतु उत्तम पुरुष में कर्ता तीनों लिंगों में समान होते हैं। प्रथम पुरुष में बस अलग अलग होते हैं, बाकी मध्यम और उत्तम पुरुष में समान होते हैं। उत्तम पुरुष में कर्ता अर्थात सर्वनाम शब्दों के साथ उत्तम पुरुष के ही क्रियापदों का प्रयोग में लिया जाता है। अब आपको ये तीनों पुरुष याद करने होंगे और समझने होंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इनके बीच का अंतर।